मेरे सुकताल पर जब पहुंचे तत्र जगभु भुवनम पुनाना महानुभावा मुनया सशिष्या प्राएण तीर्थाभिगमोपदेश स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन। परीक्षित जैसे त्यागी का दर्शन करने के लिए महात्मा वहां पर पहुंचे, क्योंकि भारतवर्ष में पूजा त्याग की है, संग्रही की पूजा नहीं होती। संग्रह में सुख है और त्यागे शांति अनंतरम। और महाराज परीक्षित जी ने अपने प्रश्न निवेदन किया कि म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या होता है, जिसकी मृत्यु निर्धारित हो उसे क्या करना चाहिए। महात्माओं ने अपने अपनी उपासना के अनुसार उपाय बताए। परीक्षित जी ने कहा मेरे पास तो 7 दिन ही है, 7 दिन में मुक्ति का कोई साधन हो तो आप बता दो। कोई सांत्वना नहीं मिली। जैसे भगवान को स्मरण किया और भगवान को स्मरण करते ही सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तत्राद्भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान शब्द से संबोधित किया। सुखदेव जी के आते परिचित ने प्रणाम किया, चरणों में आसन दिया, पूजन किया और पूजन करके सुखदेव के चरणों में अपना प्रश्न निवेदन किया। आए हम भी सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कर लें। यजमान परिवार 1 मिनट के लिए सुखदेव जी का पूजन कर लेंगे। जागे भाग हमारे सुखदेव। क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निर्धारित हो चुकी हो उसको क्या करना चाहिए। इस क्रम में सुखदेव जी ने यहां पर मंगलाचरण नहीं किया। सुखदेव जी का प्रवचन प्रारंभ हो गया, नहीं तो कोई भी वक्ता पहले मंगलाचरण करता है, कीर्तन करता है, उसके बाद प्रवचन शुरू होता है। पर सुखदेव जी ऐसे वक्ता हैं, पहले मंगलाचरण नहीं किया, बाद में मंगलाचरण किया। कारण जैसे डॉक्टर के पास कोई बीमार व्यक्ति जाता है, बीमारी सीरियस हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले उसके बीमारी की रोकथाम करता है, उसके बाद हॉस्पिटल के पर्ची भरवाता है। पर्ची जी की वेदना इतनी बढ़ चुकी थी तो सुखदेव जी ने सोचा कि कहीं मैं मंगलाचरण करने लगूं इसका विश्वास टूट ना जाए, इसलिए प्रवचन प्रारंभ हो।
पहला अक्षर वा निकला। वरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नप आत्मविसम्मता पुंसाम शोतव्यादि सुज्ञापन। वरिया ने सते प्रश्न, हे राजन आपका प्रश्न ही इतना श्रेष्ठ है जिस प्रश्न का कोई चिंतन करे तो उसका कल्याण हो जाए। और मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए कोई हजार दो हजार वर्ष आयु की आवश्यकता नहीं है, यहां तो 48 मिनट में मृत्यु मंगलमय हो गई। राजा खटवांग का चरित्र सुना दिया, अयोध्या के नपति हैं राजा खटवांग। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए देवलोक में गए। बहुत दिनों के बाद जब देवताओं की दैत्यों पर विजय हुई तो देवताओं ने कहा, महाराज आप कुछ मांग लो, आपके सहयोग से हमारी विजय हुई है। तब जो है राजा खटवांग ने कहा, पहले ये बताओ मेरी आयु कितनी शेष है, जब कुछ जीना हो तो मांगू। देवताओं ने गणना करके बताया, बोले महाराज आपकी आयु के सिर्फ 48 मिनट शेष है। राजा खटवांग ने कहा, तो महाराज ऐसा करो, यदि देना चाहते हो तो 48 मिनट के अंदर मुझे अयोध्या भिजवा दो। और देवताओं ने विशेष विमान में बिठा करके राजा खटवांग को अयोध्या भिजवाया। और जैसे वो अयोध्या पहुंचे, सरजू में डुबकी लगाई, जीवन समाप्त हो गया। और अवध तजे तनु नहीं संसारा, ये सात पुरिया हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुनश्चा द्वारावती सप्तैते मोक्षदायक। ये सात पुरियां हैं जहां पर मृत्यु जीव की हो जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, परंतु सर्व साधारण लोगों की मृत्यु इन पुरियों पर नहीं होती। महाराज लोग मकान बनवा लेते हैं, सारी व्यवस्था कर लेते हैं बुढ़ापे में और जाकर बस जाते हैं, पर जब अंतिम क्षण आता है तब बच्चों की याद आ जाती है। बच्चों को फोन करते हैं, मेरा मन करता है एक बार मैं गांव आ जाऊं, एक बार मैं घर देख लूं। और जैसे गाड़ी से बैठा करके उसको लेकर चलते हैं और जैसे पुरी की सीमा पार करते प्राणांत हो जाता है। भगवत धाम में सामान्य लोगों के प्राण नहीं छूटते, तो भगवान की जिस पर कृपा हो वही इन सात पुरियों को प्राप्त करता है। और महाराज राजा खटवांग ने 48 मिनट में अपनी मृत्यु को मंगलमय बना लिया। सुखदेव जी कहते, राजन तुम्हारे पास तो कम से कम 7 दिन कन्फर्म तो हैं, यहां तो पल पल भी कन्फर्म नहीं है, एक निमिष भी कन्फर्म नहीं है, तेरे पास तो कम से कम 7 दिन कन्फर्म है। और जाना तो सभी को है 7 दिन में, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 7 ही तो दिन है, इसके अलावा तो कोई अलग दिन बनेगा नहीं। पर किसी के पास में कन्फर्म नहीं है, तेरे पास में कम से कम कन्फर्म तो है, चिंता क्यों करते हो। योगी नाम नप निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम, जिसकी मृत्यु निर्धारित हो गई है उसे भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। उसी क्रम में सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति आदि की चर्चा की। और परीक्षित जी को सुखदेव ने हाथ पकड़ करके नाना प्रकार की कामनाओं का प्रलोभन दिया। परीक्षित, दुर्गा की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, महादेव की पूजा करने से विद्या की प्राप्ति होती है, अलग अलग देवताओं के नाम और उनकी द्वारा फल की प्राप्ति, ये परखने के लिए कि कहीं कामना में मन तो नहीं अटका। क्योंकि जब तक कामना में मन अटका रहता है, जब तक हृदय में कामना है, तब तक वो जीव मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। अंत में परीक्षित जी ने कहा, ना जिसे सब कुछ चाहिए और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो किसकी पूजा करे। सुखदेव जी कहते, जिसे सब कुछ चाहिए जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो भगवान श्री हरि की पूजा करे। अकामा सर्व कामो मा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम।
भगवान श्री हरि की पूजा करे, पर कैसे करें? बोले तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र गति के साथ। ये नहीं कि दो दिन कर लिया तीसरे दिन छुट्टी मार दी, एक महीना कर लिया, एक महीना आके पुण्य कमा लिया और उसके बाद छुट्टी मार दी। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, वो भक्ति तीव्र गति की, एक क्षण का बिना भगवत स्मरण के बीते ना। उसी क्रम में नाना प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हुए और सुखदेव जी ने मंगलाचरण आदि किया, विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान के लीला में 24 अवतारों की संख्या गिनाते हुए नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश और विदुर मैत्रेय संवाद के माध्यम से आगे अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण भूतया मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। और सुखदेव जी ने कहा, राजन अब मैं तुम्हें विदुर उद्धव संवाद सुनाने जा रहा हूं। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, नाथ विदुर जी तो कौरवों के प्रधानमंत्री थे, उनके पास कब समय मिला कि वो उद्धव जी के पास आकर के सत्संग आदि के लिए पहुंचे? इस पर सुखदेव जी कहते, राजन यदा तु राजा सुसुता साधु पुष्ण धर्मेण बिना दृष्टि भ्रातुर विशिष्ट सुतान विबंधु प्रवेश लक्षा भवने ददा। जैसे धृतराष्ट्र के मन में ये आया कि मेरे बच्चे अच्छे हैं और पांडु के बच्चे ठीक नहीं है, भाई के बच्चों में अपने बच्चों में भेद आ गया, माम का पांडवस्यैव, यहीं से महाभारत का शुभारंभ हो गया। फिर तो महाराज भीम को लड्डुओं में विष खिलाया, गंगा में डाल दिया, लक्षाग्रह, यहां तक कि धर्मराज के हाथ में ताश की पत्ती पकड़ा दी धृतराष्ट्र, सब कुछ हार गए, यहां तक द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भगवान ने रक्षा करी, अंत में पांडवों के लिए दंड निर्धारित किया गया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास पूरा किया, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने वाला था, तब भगवान श्याम सुंदर पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर पहुंचे। 5 गांव का प्रस्ताव था, पर कई लोग कहते हैं देखो दुर्योधन 5 गांव भी नहीं दिया, पर वो 5 गांव कोई सामान्य गांव नहीं थे, जो 5 गांव भगवान ने प्रस्ताव रखा था, क्योंकि भगवान को पता है कि यदि अन्य गांव मांगेंगे, अब कहीं इधर प्रयागराज के तरफ मांग लेते दे देता दुर्योधन, पर ये सामान्य गांव नहीं मांगे, भगवान चाहते थे कि ये ना दे और महाभारत हो, ताकि समाज कहे कि दुर्योधन ने 5 गांव के पीछे इतना बड़ा खून खराबा कर दिया। ध्यान से सुने, वो 5 गांव बड़े महत्वपूर्ण थे, ये हस्तिनापुर के चारों तरफ के सोनीपत, पानीपत, बागपत, तिलपत और मधुपत, ये 5ों गांव हस्तिनापुर के चारों किनारे हैं, पूरी दिल्ली को घेरने का पूरा इंतजाम था, यदि ये 5 गांव दे देगा फिर निकलेगा कहां से? भगवान को पता था कि ये नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान को महाभारत कराना था, पर रोल कर रहे हैं, मानो वचन हमारो राजन, मानो वचन हमारो, 5 गांव पांडव को दीजे सारो राज त्योहार। दुर्योधन ने कहा ये 5 गांव नो नो नो, भूमि न दे हो सुई किनो के चाहे रण संग्राम विचारो। भगवान ने कहा दुर्योधन अकेले निर्णय मत कर, तेरे पास में भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, सलाह तो ले ले,
दुर्योधन कहता मैं सलाह नहीं लेता, क्योंकि अभिमानी कभी किसी की सलाह नहीं लेता। महाभारत भलो नहीं दुर्योधन, कुछ तो सोच विचारो, कट कट शीस गिरे धरणी पर जब खाड़ा चले दुधारो। राजन मानो भजन हमारो। दुर्योधन बोल रहा है भगवान को, क्षत्रिय कुल को नियम यही है, कोई जीते कोई हारो। अरे राजनीत का मरम का जाने, तू तो गऊ चरा बनहार। भगवान को दुर्योधन ने ऐसा कहा, ये पद सूरदास जी का है, और सूरदास जी जब पद लिखते थे तो लीला आंखों के सामने आती थी। सूरदास जी ने से नहीं रहा गया, सूरदास जी कहते मानत नहीं अंध को जायो। सच कहा है कि अंधे की औलाद अंधी ही होती है, अंतर इतना है इसके बाप के बाहर की फूटी है इसके अंदर की फूट गई। भगवान समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहा। मानत नहीं अंध को जायो, हरि को बचन इनकारो। सूरदास कहे भरी सभा में आयो काल त्यार। राजन मानो वचन हमारो। दुर्योधन नहीं माना, भगवान वहां से चलने लगे। दुर्योधन ने व्यवस्था कर रखी थी, दुर्योधन सामान्य बुद्धि समझ रहा था कि ये मांग मांग के छीन छीन करके चोरी कर करके खाते थे, इसका मतलब इनकी जीभ पर कंट्रोल नहीं। दुर्योधन ने कहा शाम का भोजन हमारे यहां होगा, भगवान ने कहा नहीं, भोजन दो प्रकार से किया जाता है। दो विधि भोजन की जय, राजन के विपदा के प्रीति। या तो विपत्ति हो, प्राण जा रहे हैं, भूख लगी है, कहीं कोई आपस में जानकार नहीं है तो कहीं भी खा लो। भगवान ने कहा दुर्योधन मेरे कोई विपत्ति नहीं है, किस पूरी हस्तिनापुर में मुझे कोई नहीं जानता। और एक या तो सामने वाले के आंख में प्रेम हो तो भोजन कर लो, तेरे आंख में कोई प्रेम नहीं है, मेरे कोई विपदा नहीं, मेरे कोई विपदा नहीं, तेरे कोई प्रीति नहीं, ये कैसी अनरीति। और भाव में आकर के भगवान ने घोषणा कर दिया आज शाम का भोजन विदुर चाचा की कुटिया में होगा। ओहो विदुर जी तो फूले फूले नहीं समाये, दौड़े दौड़े बाजार की ओर चले गए। इधर भगवान रथ लेकर विदुर के कुटिया में पहुंच गए, कुंडी खरखटा दी, विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे भगवान ने कुंडी खरखटाई, विदुरानी जैसे थी वैसे आके दरवाजा खोलने लगी। जैसे विदुरानी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने अपना पीताम्बर विदुरानी के शरीर के ऊपर ढक दिया। महाराज जीव कैसा भी हो, भगवान की शरण में चला जाए, भगवान अपने आप उसे सुधार देंगे। यहां जितने भी आए सब बिगड़े हुए आए हैं, सुधारा तो परमात्मा ने है। और महाराज भगवान ने कहा भूख लगी है चाची। विदुरानी ने कहा बैठो मैं जल्दी से कुछ बना देती हूं। भगवान ने कहा नहीं कुछ भी हो दे दो। घर में गई कुछ भी नहीं था, पर भगवान को पता था कि वो सूखे हुए केले रखे हैं। बार बार कह रहे हैं नहीं चाची कुछ दे दो, जाओ तो देखो तो देखो तो। जब दोबारा गई तो उन केलों पर दृष्टि पड़ गई, एक हफ्ता पहले आए थे, सूख करके काले काले हो गए। और वो केला लेकर के जब आती है महाराज, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, नहीं आवना आज
विश्राम हुआ और महाराज रात्रि विश्राम के क्रम में भगवान करवट बदल रहे हैं क्योंकि विदुर जी निष्किंचन भक्त हैं, तकिया भी नहीं। विदुर जी को लगा कि भगवान को आदत है तकिया की, पर आज तो भगवान भक्त की गोद चाह रहे थे। मां की गोद तो मिली, पर भक्त की गोद में कितना सुख है ये चाहने के लिए भगवान कुछ नाटक कर रहे थे। विदुर समझ गए, विदुर जाके भगवान के सिरहाने में बैठ गए। नाथ मुझे लगता है आपको तकिया चाहिए। नाथ आप ऐसा करो, मेरी जंघा को तकिया बना दो। यद्यपि अपने से श्रेष्ठ जनों के सिरहाने पर नहीं बैठना चाहिए, पैरों की तरफ बैठते हैं। अपने श्रेष्ठ जनों के सिरहाने पर नहीं बैठते, पैरों की तरफ बैठते हैं, परंतु सेवा में सब कुछ जाए जाए। मां की पीठ में दर्द हो, हाथ से दबाने से गुरुजी के पीठ में दर्द हो,
हाथ से दबाने से दर्द ना ठीक हो और गुरुजी कहें बेटा थोड़ा पैर रख दे, और यदि पैर से शिष्य और पुत्र पैर रख करके पीठ को दबाते हैं उनको पाप नहीं लगता क्योंकि सेवा में सब जायज है। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल दुर्योधन ने विदुर जी को बुलाया और विदुर जी को बुला करके कहा बताओ रात में मेरे विषय की क्या क्या चर्चा हुई। उसी क्रम में जो है विदुर जी ने कहा जहां भक्त भगवान मिलते हैं वहां तीसरे की बात क्या है। दुर्योधन ने कहा मेरे राज में सुख आनंद वैभव का उपभोग कर रहे हो, मुझसे छुपा रहे हो। ये बात विदुर जी को लगी, भगवान की ओर देखा, नाथ इससे यही कहलाने के लिए आए थे आप, ना आते तो ठीक रहता। भगवान ने कहा मैं बोल रहा हूं ये नहीं बोल रहा, मेरे सामने काल की भी मजाल नहीं है कि जबान खोल ले, पर मेरे रहते हुए ये दुर्योधन बोल रहा है इसका मतलब दुर्योधन नहीं बोल रहा, इसकी जीवा में मैं बोल रहा हूं, इन दुष्टों की हिमायती कब तक करोगे। भगवान को पता था कि यदि विदुर हस्तिनापुर में है तो महाभारत नहीं हो सकता, लंका में जब तक विभीषण था तब तक लंका का बाल भाका नहीं हुआ महाराज। हनुमान जी को भेद कर तो सीता का खोज तो बहाना था, हनुमान जी को भेद करके विभीषण को पास में बुलाना था। जब भगवान ने ऐसी बात कही तो वहीं पर जो है विदुर जी ने रिजाइन दे दिया और चल करके पहुंचे वृंदावन। वहीं पर ज्ञान गुदड़ी नामक स्थान पर उद्धव जी महाराज से मुलाकात हुई और विदुर जी ने भगवान की लीला संबंधी प्रश्न किए और उद्धव जी भगवान के जन्म क्रम की कथा सुनाते सुनाते जब भगवान के सुधाम गमन की चर्चा आई उद्धव का कंठ भर गया। उद्धव ने कहा मैं आगे की चर्चा तुम्हें नहीं सुना सकता,